परमिशन लेना से ठीक है, मालूम पड़ा कि कुछ लोगों को गोलियत महसूस हो रही है, मैं कराई जा रहा हूँ। तो मैं जिनका पेट साफ नहीं होता है उनके लिए केवल तीन स्टेप बता रहा हूँ, और आप प्रैक्टिकल करके देख लेना केवल तीन दिन के लिए। जिनका भी पेट साफ नहीं होता, तीन दिन के अंदर अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। उसमें क्या करना है, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है, और दोनों हाथों को उठा के ऐसे श्वास को भरेंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। Then ready, again breathing and stretch our body and try to hold it for 30 seconds. Breathing. और इसको जल्दी जल्दी भी किया जा सकता है, श्वास को भर के ऊपर, श्वास को छोड़ के नीचे। इसको बोलते हैं ताड़ासन। अभी देखो मैं बता रहा हूँ तीन टी के, पहला ताड़ासन, दूसरा तिलक ताड़ासन और तीसरा कटी चक्रासन। तो पहला होगा ताड़ासन और दूसरा होता है तिलक ताड़ासन। श्वास को भरेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, श्वास को छोड़ के वापस श्वास को भरेंगे, राइट साइड वापस। तो इसको डेली एक एक अभ्यास को एक मिनट करना। तीसरा कटी चक्रासन, श्वास को भर के पीछे जितना हो सकता है स्टार्टिंग आप उतना करें तो उतना होता है। श्वास को छोड़ के वापस श्वास को भरेंगे, पीछे श्वास को छोड़ के वापस। ये थ्री स्टेप आर वेरी यूजफुल फॉर क्लियर आवर स्टमक। ये पेट के इतना अच्छा है, अगर किसका पेट साफ नहीं होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और डेली एक एक अभ्यास को एक एक मिनट करिए, तीन दिन के अंदर देखेंगे आपका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा। जिनको भी कब्ज की शिकायत रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अपन करते हैं, लंबा गहरा श्वास को भरेंगे एक बार। सर्वे शन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दु को भाव भवे। ओम शांति शांति शांति। तो आज का